धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी कुल शब्द 1002 प्रतिलेखन संख्या 58 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। अंत में मैं खेती में अधिक निवेश पर बल देना चाहूँगा। ऐसा करना सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों में जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि में निवेश या तो स्थिर है या साल दर साल कम होता जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी अभी बहुत कम है। रिलायंस जैसी कंपनी अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और किसानों से सीधा संपर्क किसानों के लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है। पर यह ध्यान रहे कि बाद में किसानों के हित की अनदेखी न हो। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सिर्फ निजी हित के लिए सीमित न हो जाए और हमारे किसान एक नए चक्रव्यूह में फिर से न फंस जाए। कृषि मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देंगे। पैरा महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार दुर्घटनाओं के चलते हर रोज मौतें हो रही हैं। लोग दुर्घटना स्थलों में तड़पते तड़पते जान गंवा रहे हैं, जबकि केंद्रीय सड़क सुरक्षा नियमों के तहत प्रति 50 किलोमीटर में एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के अंदर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग में कहीं दूर दूर तक एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलों में दीवार नहीं है, ब्रिज नहीं है, सड़कें गड्ढों में समा गई है। हर वर्ष सड़क दुर्घटना का औसत बढ़ रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। श्री राजेश पायलट, श्री केपी सिंह सहित कई महत्वपूर्ण लोगों की जान चली गई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर 18 मई को दीवार विहीन पुलिया में मेरा एक कार्यकर्ता साइकिल से जाते समय ट्रक की क्रॉसिंग की वजह से गिर गया और रात भर वहां पड़े रहने के कारण मृत्यु का शिकार हो गया। यदि मोबाइल एम्बुलेंस या पास में कोई सूचना केंद्र होता तो शायद उस कार्यकर्ता की जान बचाई जा सकती थी। इसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 मार्ग पर हर रोज कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती रहती है। पैरा, मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क सुरक्षा के तत्काल उपाय किए जाएं, जिससे लोगों को असमय मौत से बचाया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर रेलवे ब्रिज का तत्काल निर्माण कराया जाए। साथ ही नेशनल हाईवे 75 में सतना शहर में बाईपास बनाया जाए। पैरा, कई राज्यों में भी शिकायतें आती है कि रेलवे के जो कार्यक्रम होते हैं वहां चुने हुए सांसदों को आमंत्रित नहीं किया जाता है। एक दो घटनाएं तो ऐसी घटी हैं जहां पराजित हुए उम्मीदवारों ने झंडी दिखाई और ट्रेन चालू की गई। लोकतंत्र में लोग इस तरफ भी बैठते हैं और उस तरफ भी बैठते हैं, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनमें से कोई इस तरफ बैठेगा या उस तरफ बैठेगा। इसलिए मेरा कहना है कि उनका सम्मान होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लालू जी को फिर से अध्यक्ष बन जाने में देरी हो। मैं अपनी बात को सीमित कर रहा हूँ इस आश्वासन के साथ, जो आसन से भी
मिला है और माननीय मंत्री जी से भी मिला है। मैंने प्रदेश की जो बिल्कुल उचित मांगे थी उन्हें यहाँ रखा है, जिन्हों केंद्र ने हमेशा स्वीकृत तो किया लेकिन उसके आगे कदम कुछ नहीं उठाया। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पैरा महोदय, आज सदन में अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2012 विषय चल रहा है। मूल रूप से इसका जो लक्ष्य है वह यह है कि केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को रूपांतरित करने के लिए विधेयक। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं राजस्थान से आता हूँ और यह विषय जनजातियों का है। एक वक्त अभी फरमा रहे थे कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति देश के किसी भी कोने का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी खंड का हो, परंतु मूल रूप से उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रहन सहन और व्यवहार लगभग मिलता जुलता है, उनकी समस्याएं लगभग मिलती जुलती होती हैं। इस कारण मूल विषय के साथ कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। यदि हम ईमानदारी से उन पर अमल करें तो ये उनकी प्रगति के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। यह बात सत्य है कि कोई भी पार्टी या कोई भी शासन कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नाम निश्चित तौर पर लेता भी है और उन कार्यक्रमों का लाभ उनको पहुंचाने की बात कहता है। यह बात भी सत्य है कि आज़ादी के समय आदिवासियों और कमजोर तबके के जो लोग हैं उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी जितनी की आज है, परंतु फिर भी आज कुछ अधिक काम करने की आवश्यकता है। निष्ठापूर्वक उन तक इसका लाभ पहुँचे इसके लिए सरकार की जो नीतियाँ बने उनमें बहुत ही ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें लागू करने का जो भी हमारा तंत्र है उस तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। पैरा, हम राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में है, साथ में लगता हुआ मध्य प्रदेश है जहां यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में है और कहीं और कुछ है। ये जो सारी असमानताएं हैं यह एक मानसिक विद्रोह तैयार करती हैं। जब मानसिक विद्रोह तैयार होता है तब यह नक्सलवाद आदि जितनी समस्याएं आज हम भोग रहे हैं ये सब हमारे सामने आकर पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं और उसका मुकाबला हम समय पर और व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी है। इन 10 करोड़ आदिवासियों के अधिकार को हम व्यवस्थित रूप से दिला पा रहे हैं या नहीं, इस पर भी सरकार और मंत्रालय विचार करे। पैरा सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी बड़ी बहन गीता जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का प्रस्ताव रखा, और साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश को आज़ाद हुए
आज 50 साल हो गए, परंतु हम महिलाएं इन 50 सालों में भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाई हैं। विराम।